Dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. एक लड़के ने साथ में मैं आई तो हमें चाटा मारा बहुत ज़्यादा तेजी से. हम पिताजी के पास गए. पिताजी आज हमारे एक क्लास फेलो ने चाटा मार दिया तो हम कल चाटा मारेंगे. बोले बिल्कुल नहीं मारना. ये बताओ कि तुमने चाटा मारा तो तुम्हारे जो गाल पर तकलीफ हुई थी क्या वो उस पर भर जाएगी? नहीं, वो तो नहीं भरेगी. तो तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा? तुम अपने फ़ायदे का काम करो ना. तुम उससे कहना कि भैया तुमने कल एक मारा था ना, आज एक गाल पर और मार दो. देखो ना, कल ही बड़ा सुंदर गाल हो गया था, लाल लाल हो गया था. आज भी मार दो तो ये भी बढ़िया हो जाएगा, बड़ी कृपा होगी. तो नेक्स्ट डे हमने यही कहा कि भैया बड़ी कृपा करी आपने, कल हमको एक चाटा मारा, अब आप इसको भी मार दो तो ज़रा ये भी थोड़ा लाल लाल हो जाए, बड़ा अच्छा रहेगा भैया. अब कहता मैं क्यों मारूँ, अरे मैंने बड़ी कृपा होगी. बोले आपको बुरा नहीं लगता? मैंने भैया एक बात बताओ, तुम हमारे दोस्त हो यार, क्लास वालों, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानेंगे? ये तो तुम हमारे मित्र हो यार. तो उसने कहा कि मैं कभी भी किसी को गाली नहीं दूंगा, चांटा नहीं मारूंगा, मुझे बहुत सीख मिली. मैंने कहा देखो, मैंने चांटा बर्दाश्त किया तो मुझे बर्दाश्त की शक्ति आ गई. ये तो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है ना, अभी तो मैं सीख रहा हूँ ना, मुझे धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति आनी चाहिए तो मेरा ईश्वर इनाम बढ़ा देगा. क्योंकि वो सुनता भी है और वो देखता भी है, न वो अंधा है, न बहरा है, न गूंगा है. परमात्मा सब सुनता है, सब जानता है, सब देखता है, सब कुछ जानता है. वो हमें जानता है, सब कुछ जानता है. तो क्या है इसमें, टॉलरेंट बनो, सेल्फ डिसिप्लिन. अब आप देखो इतने बच्चे बैठे हो, एक भी नहीं बोल रहा है. यहाँ पर कोई टीचर नहीं आपको कह रही चुप हो जाओ चुप हो जाओ. ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन. क्लास में इसी तरह जो सेल्फ डिसिप्लिन में बच्चे बैठेंगे वो सीखेंगे ज़्यादा. और कोई भी वहाँ अपना डिस्टर्ब करेगा तो वो उतनी देर के लिए उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, सीखेगा ही नहीं. जो टीचर पढ़ा रही है वो समझ में ही नहीं आएगा. तो सेल्फ डिसिप्लिन बनो, इमोशनली स्टेबल. अब मम्मी ने कभी कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, बड़े भैया ने कुछ कह दिया, किसी क्लास वाले ने कह दिया और हम नाराज़ हो गए, फ्लेयर अप कर गए. तो फ्लेयर अप ना हो, कभी भी फ्लेयर अप ना हो. तो इमोशनली स्टेबल बनो, नोबल बनो, सज्जन बनो और लॉ अबाइडिंग बनो. मम्मी पापा जो घर में नियम बनाए उनका पालन करो. स्कूल में, क्लास में जो टीचर नियम बनाए उनका पालन करो. और स्कूल में प्रिंसिपल ने जो नियम बनाए उनका पालन करो, ताकि जब तुम समाज में जाओ तो समाज के नियमों का पालन करो. तो लॉ अबाइडिंग बनो, रूल्स का पालन करो और कंसल्टेशन करो, परामर्श करो. डिस्कशन नहीं, डिस्कशन में ईगो आती है. और कंसल्टेशन इज ए लविंग इन ए प्रेयरफुल मूड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड. तो कंसल्टेशन करो, परामर्श करो. तो कंसल्टेशन करो और स्ट्रॉन्ग विल पावर, बड़े काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति. मैं एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा. अब ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे. अब बनो महान, बनो महान, महान बनेंगे. रोके हैं किसी के भी, रोके से ना रुकेंगे. तो रोकता कौन है हमें महान बनने से? ऊंचा सोचने से भला कौन रोकेगा हमें? देखो, कोई नहीं रोक सकता हमको. कि स्ट्रांग विल पावर रखो, दृढ़ इच्छा शक्ति बड़े काम करने की. और यही उम्र है, छोटी उम्र. न बहुत छोटे हैं, न बहुत बड़े हैं. इस उम्र के मोस्ट इम्प्रेशनेबल एज कहते हैं.
इसी में निर्णय होता है कि मुझे बड़ा बनना है कि छोटा। अच्छा, दूसरे आप ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे, रोके हैं किसी के भी रोके से ना रुकेंगे, रोकता कौन है? आप ऊंचा सोच रहे हैं या नीचा, आपके बगल वाले को क्या मालूम, आपके टीचर को, प्रिंसिपल को क्या मालूम, आपके किसी दोस्त को क्या मालूम क्या सोच रहे, मम्मी पापा को क्या मालूम कि क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच है, आपके ऊपर है। देखो, हमारी सोच ये भी हो सकती है, अरे साहब मोदी जी चाय बेचते थे दो दो पैसे की, और जब ट्रेन आती थी तो दौड़ते थे, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, दो पैसे की चाय, दो पैसे की चाय। वो लड़का तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अरे हम थोड़ी बन जाएंगे। अजी मोची का लड़का अब्राहम लिंकन जूतों पर पॉलिश करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, अरे हम थोड़ी बन जाएंगे। ओबामा जिसके पिताजी कीनिया में बकरी चराते थे, माँ घरों में चौका बर्तन करके झाड़ू पोछा लगा के गुजारा करती थी, अपने बेटे को ओबामा को पढ़ाती थी, वो ओबामा बड़े होकर अमेरिका का दो दो बार राष्ट्रपति बनेगा, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। अरे वो तो बन सकता है, हम थोड़ी बन सकते हैं। तो ये कौन विचार सोचता है, कौन रोकता है? केवल हमारा मन। तो हमें मन पे विजय प्राप्त करना है। नहीं, हर एक को न ओबामा बनना है, न हर एक को अब्राहम लिंकन बनना है, न हर एक को मोदी जी बनना है। आप जो बन सकते हैं वो बनो। अरे एडिसन किसी स्कूल में तो नहीं गया, उसके पिता तो जब वो पेट में था, माँ के पेट में, कोख में, तभी मर गए, और माँ भी 6-7 साल की उम्र में छोड़ के चली गई, वो अनाथ हो गया, कोई आमदनी का जरिया नहीं था, किसी स्कूल में पढ़ नहीं सकता था, फीस के पैसे नहीं थे, कोई किताब नहीं ला सकता था, लेकिन वो संसार का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। बल्ब को इजाद कर दिया उसने, कोई किताब नहीं थी, कोई टीचर नहीं था जो पढ़ाता, अपने दिमाग से सोचिए। प्यारे बच्चों, जिस क्षेत्र में जा सकते हो अपना क्षेत्र चुनो अभी से, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनूँगा मैं, और उस दिशा में सोचो और ऊंचा सोचो। और तुम्हारी सोच को कौन जानता है, तुम जानते हो या परमात्मा? और कोई नहीं जानता। तुम परमात्मा से बात करो सीधे सीधे, हे परमात्मा मैं ये बनूँगा, तुम मेरी सहायता करो। परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा। ही विल कम टू योर एड विद इनविजिबल होस्ट एंड सपोर्ट यू विद आर्मीज ऑफ इंस्पिरेशन। ही विल सेंड इन टू यू द स्वीट परफ्यूम्स फ्रॉम द हाइएस्ट पैराडाइज एंड वाफ्ट ओवर यू द प्योर ब्रीदिंग्स दैट ब्लो फ्रॉम द रोज गार्डन्स ऑफ द कंपनी ऑन हाई। ही विल ब्रीद यू इनटू योर हार्ट द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड कॉज यू टू एंटर द आर्क ऑफ सेल्वेशन एंड रिवील इन टू यू हिज क्लियर टोकन्स एंड साइंस। Verily, this is the abounding grace. Verily, this is the victory that none can deny. So he will come to your aid with invisible host. Paramatma ke devdoot charo taraf se aapko gher lenge, jo adrishya honge, dikhai nahi padenge. Invisible host and support you with the armies of inspiration. Aapko inspiration aayenge. Battalions after battalions will be mustered, rank upon rank, ready to pour forth reinforcement from on high. To Paramatma ki devdooton ki battalions after battalions will be mustered, rank upon rank, ready to pour forth reinforcement from on high. Upar se divya lok se, परमात्मा के लोग से आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको इंस्पिरेशन आएंगे, जो ईश्वर की राह में इंस्पिरेशन आए वो आप पालन करते जाएं और आप आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर, लॉजिकल टेम्परामेंट, आपका लॉजिकल हो, तार्किक हो, कोई चीज़ इलॉजिकल न करें, क्यूरियस हो, हर चीज़ को जानने के लिए
जिज्ञासु बने और क्या बने, क्यूरियस और इमेजिनेटिव। सपने लो ऊँचे ऊँचे, इमेजिन करो कि तुम्हें कैसे कैसे अचीव करोगे। ट्रुथफुल बनो और ऑनेस्ट बनो। देखो बच्चे के तीन क्लासरूम हैं। क्लासरूम नंबर वन इज द होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। क्लासरूम नंबर टू इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी, सेकेंड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। क्लासरूम नंबर थ्री इज द सोसाइटी, द थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। हमारा घर जो पहला सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है वो कैसा हो? द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। अब घर में देखो तो माता पिता बेटा बेटी सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है और घर के ऊपर दिव्य प्रकाश परमात्मा का है और सारे दिव्य अवतारों और जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं उनके मैसेजेस हैं। ये गीता है, त्रिपिटक है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये सब मैसेजेस हैं भगवान के, एक परमात्मा के। इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तुम्हारा स्कूल सेकेंड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। स्कूल और यूनिवर्सिटी इज अ लाइट ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस इन लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। लेट अस मेक एवरी चाइल्ड एंड यूथ गुड और स्मार्ट। तो आपको गुड और स्मार्ट दोनों बनना है और दोनों बनेंगे तो संतुलित बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, ईश्वर का उपहार बन जाएंगे। ए प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बनेंगे। ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएंगे। और इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। क्लासरूम नंबर थ्री है हमारा समाज, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि परमात्मा एक ही है, अनेक परमात्मा नहीं है। इन सब दिव्य संदेश वाहकों का एक ही परमात्मा है, ये संदेशा एक परमात्मा से आया है। तो ये हमारे संत और महात्मा तरह तरह की दाढ़ी मूछें और ये चंदन तिलक और छापे और टोपे और साफे और टोपियां लगाकर ये सब ये बता रहे हैं कि हम कितने एक दूसरे से फ़र्क हैं, कितनी दूरियां हैं। समाज में बहुत दूरियां हो गई, समाज बहुत हिस्सों में बढ़ गया। अब ज़रूरत इस बात की है, इन लोगों से दरख्वास्त की जाए कि महाराज ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, मानवता तो एक है, ये दूरियां जो समाज में बढ़ रही हैं इनको समाप्त कीजिए और ईश्वर की राह पर चलिए। यहाँ पर एक बालक है, ये इसका तार हमने परमात्मा से जोड़ दिया, दिव्य लोक से। वो परमात्मा का लोक जहाँ से गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एकदश सब कुछ आया है, यदि पूरे से जुड़ जाए तो बच्चा क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM। लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। एक अच्छा इंसान बनेगा और ईश्वर का उपहार बन जाएगा मानव जाति के लिए। और कहीं ये तार टूट जाए दिव्य लोक से, हिंदू बन जाए या मुसलमान बन जाए या सिख बन जाए या ईसाई बन जाए या फिर उनमें से भी कुछ और बन जाए, शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए, प्रोटेस्टेंट बन जाए, कैथोलिक बन जाए, निरंकारी बन जाए, अकाली बन जाए, तो क्या करेंगे? ये मारामारी कर रहे हैं। ये क्या बन सकते हैं? इरेशनल, अविचारवान। और क्या बन सकते हैं? अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बन सकते हैं? अनगॉडली, अनिश्वरीय, बैड, पूरे। और टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP, कोई मिसगाइड कर सकता है। टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, लाइक ए
animal, a bad human being, is a curse for human society, totally unworthy and unacceptable to society. ये भरा पड़ा है, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मार डालूँगा एक दूसरे को, मैं शिया हूँ, सुन्नियों को मारूँगा मैं, सुन्नी हूँ, शियाओं को मार डालूँगा, मैं निरंकारी हूँ, अकालियों को मारूँगा, मैं अकाली हूँ, निरंकारियों को मारूँगा, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, कैथोलिक को मारूँगा, मैं कैथोलिक हूँ, प्रोटेस्टेंट को मारूँगा। ये चारों तरफ यही धर्म हो गया है। धर्म के मानी मारो मारो मारो, कत्ल करो, खून खराबा करो, गालियाँ बको, यही धर्म है। प्यारे बच्चों, आप एक अच्छे स्कूल में हो, अच्छी बातें सीख रहे हो, यहाँ से ये बातें सीखकर अपने मम्मी पापा को बताओ। Commemoration of Hiroshima Day, 6th August, the UNESCO Award for Peace Education recipient, City Montessori School in Lucknow, took out a World Unity March. A magnificent peace legislate campaign by thousands of CMS students was led with the sincere aspiration in support of the declaration of peace and cessation of wars or hostilities. DPCW in the near future. Hiroshima mein jo hua wo phir se nahi dohrana hai. Hiroshima! No more, no more! Hiroshima! No more, no more! We want rule of law! We want rule of law! In sare deshon ko baat yahi samjhana hai. Hiroshima mein jo which is essential to all life on earth, is delivered through education and the spreading of a culture of peace to the youth and women is what City Montessori School has been committed to inculcate in its students' community. Running back through the pages of time, just pass for a moment, consider this crime.
when selfish interest blinded humanity's eyes, stifling out the cries of 945, what the world is. Hiroshima! No more, no more! Hiroshima! No more, no more! We won! Rule of law! We won! Rule of law! Remember this place for everyone. So why rule over all with bombs and guns? No more Hiroshima, no more Nagasaki, no more hearts to be broken with swords. No more Hiroshima, no more Nagasaki, no more hearts to be broken with swords of greed. Let's pledge together in the presence of God. The eligibility criteria of each institute. How do I go? What is the level 1 institute, level 2, level 3? For example, it's NIFT, NID here. It's UID, it's MIT, it's Srishti, it's Symbiosis. It's Institute of Maragoni, it's ISD. Then you have to figure out which institute, my financials, my parents, what specialization, how would they teach me, what is the accreditation. Oh my God, tons of information. That's what Geeta ma'am was talking about. It's an important career. It's your decision. So you need to have tons of material. All that's available on the system. Now, why am I telling you that? What experience do I have? To start with, I myself have studied abroad with full scholarship. And when I say full scholarship, I mean I did not even pay a single dime to the college. I studied for free, I lived for free, I ate there for free. And I was making more money than I could spend while I was studying. And trust me, you have had seniors, some of you might know, who have actually done the same from your very school. How do you go about it, is the question. What is it that you need to do about it? Do we start now, or do we wait till class 11s, or do we wait till we are finished with class 12s? What is the right way to go about it, is what we are going to talk about it. But before we get there, why should we think about it? What are our options in terms of career choices? What are our options in terms of countries? And do we have to take any tests? So we are going to go about everything today. People are made, not born. You saw the examples earlier. Were they born that way? You know, one of them could not read till age 4, that was Winston Churchill. He could not speak till age 4. He could not read till age 7. People thought of him as dumb. Was he not made or was he born? He was made. One of the takeaways from this can be that marks do not equate to intelligence. Very good. Here are four children from City Montessori School, one of the branches. And child A is across the board really, really good at everything he does or she does. Look at child D. B and C are somewhere in the middle, because if you average their mark, the blue part of the circle, it comes up to a high average, or higher than the child D and little lower than child A. Child D, what's happening with child D? Is he intelligent or not intelligent? Intelligent, why? He is intelligent, absolutely. Though he has a lower mark, overall average mark is low, he is intelligent, or she is intelligent. How? Look at how she peaks. Look at the edges to which her blue line goes to the very end of the circle. In some of the topics, she has done really, really well. I pledge before God, whom I love and worship, to be a worthy student of my school and to abide by its rules. To love and respect my parents and teachers
and to follow their guidance. To consider all the people of the world as my brothers and sisters, for we are all the creations of one God. To work for the cause of world peace and happiness of the people. To develop my mind in sciences and arts, and to let my religion guide me in my actions. To devote my talent to the service of humanity, for by this service shall I truly serve my Lord. To show sincerity, trustworthiness, and perseverance in all that I undertake to do. To strive always for excellence and greater heights of achievement in my studies, and try to grasp 100% knowledge in all my prescribed subjects. To uphold the motto of Jai Jagat at all times, for truly I am a citizen of this world.